वो वाला लगा के ना। गाइस कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी नाउ? गुड इवनिंग एवरी सिंगल वन, कैन यू हियर मी नाउ? गुड इवनिंग, इज इट फाइन नाउ? यस, परफेक्ट, आ गई आवाज। ऑसम ब्लॉसम, राइट? ही कभी चलता है अपने आप, कभी कुछ करता है, नो वरी। सो वेलकम, गुड इवनिंग, दिस इज डॉक्टर वानी ऑन बिहाफ ऑफ वेदांत बायोटेक। आई वेलकम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू अ सुपर डुपर ऑसम क्लास दैट वी गोइंग टू बी टेकिंग राइट नाउ राइट हियर। 2 दिन लगाकर मैंने आपको सेंस ऑर्गन्स का पूरा थ्योरी करवाया है। आर यू रेडी फॉर द कमबैक किड टॉप 30 क्वेश्चंस? सेंस ऑर्गन्स फॉर बोथ्स एंड नीट, यस, परफेक्ट। हेलो, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल फॉर योरसेल्फ एज वेल। गुड इवनिंग, कम बैक रेडी स्टेडी परफेक्ट। बाय द वे, कल की बड़ी न्यूज बता दूं? यस, कल एक और शो द मिरर है। आज कम बैक किड है, कल शो द मिरर है। कल मैं आप लोगों का एक बहुत बड़ा सरप्राइज, फुल बॉटनी टेस्ट ले रही हूं। हाउ इज दैट? फुल बॉटनी टेस्ट, फुल 11th बॉटनी टेस्ट, हाउ इज इट? उसके बाद क्योंकि मैं बॉटनी और बायोमॉलिक्यूल स्टार्ट करवाने वाली हूं, हाउ इज इट बता दो? Yes, first time seeing me live, Mehak, amazing. चलो, तो let's get started. आज शाम को मैं करवा रही हूँ DNA fingerprinting in detail. 12th और 13th के mascots, शाम को 5 बजे, 5 marks guaranteed questions CBSE boards 2021 के लिए DNA fingerprinting से 100% आएगा. Last 10 years most difficult question of AIIMS कल सुबह 6 बजे. Wow. अमेजिंग, छाने वाले बच्चे। लास्ट 10 इयर्स मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ एम्स कौन कौन थे? मैंने कहा चलो यार एक बार टेस्ट ले ही लिया जाए, ले ही लिया जाए टेस्ट की भैया लास्ट 10 इयर्स के मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस क्या थे एम्स के लिए, क्या कहते हो? यस एवरीवन, मतलब फील आ जाएगी यार, राइट? 10th 11th वाले भी आ जाओ हीट फील करने के लिए कि भाई मतलब मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस कौन से हैं लास्ट 10 इयर्स के, सबसे डिफिकल्ट एम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कल है वन शॉट बॉटनी मेगा मेंटी मैराथन, परसों बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स पूरा 11th, फुल 11th, प्लांट मॉर्फो, प्लांट एनाटॉमी, प्लांट फिजियोलॉजी, 3 बड़ी यूनिट्स, प्लांट किंगडम। एक बार देख लेते हैं कितने पानी में हो, क्या कहते हो? Yes, amazing यार, this is called feel. मैगी कैसी थी? अच्छी थी प्रणाम, right? And top 40 questions of molecular basis of inheritance, because आज हम DNA fingerprinting कर रहे हैं, कल हमने lac operon किया, तो top 40 questions molecular basis के तो बनते ही बनते हैं। Yes, मतलब आपको फील आ रही है देखकर कि हम किस अलग अलग लेवल से हमें टेस्ट किया जा रहा है। वाओ, आज DNA fingerprinting करेंगे, कल लास्ट 10 इयर्स मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ एम्स करेंगे, जील आनी चाहिए। कल मैं आपका पूरा बॉटनी का मेगा टेस्ट ले लूं, पता तो करें कौन सी यूनिट वीक है, फिर वही यूनिट स्टार्ट करेंगे, ऑसम हो जाएगा। टॉप 40 क्वेश्चंस ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस करने वाले हैं, तो बेटा इसी बात पे हो जाए एक बहुत बड़ा सा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कैसे हैं मेरे चुन्नू मुन्नू गैंगस्टर्स, राइट? आप ऐसा क्यों कह रहे हो शमशेर? चलो आ जाओ, चले फिर। यस, अरे वाह, कॉर्नर ऑफ क्रिएशन, छठी क्लास से भी हमारे चैनल पे जुड़ चुके हैं। यस, चले बड़े आगे, कर ले आज के क्वेश्चंस, हो गया लाइक शेयर सब्सक्राइब। ऑल माय किड्स हैव बिकम अ पार्ट ऑफ वी बायोटॉनिक राइट नाउ राइट हियर, एवरी सिंगल वन ऑफ यू। चलो फिर, यसो, आगे बढ़ते हैं गाइस। टेलीग्राम ग्रुप डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम की ऐप डाउनलोड कीजिए, टेलीग्राम की ऐप में बायोटॉनिक फॉर नीट ढूंढिए और डाउनलोड कीजिए, और कल के लिए तैयार होना शुरू कीजिए। क्या आपके पास शॉर्ट नोट्स, क्या आपके पास बॉटनी के शॉर्ट नोट्स हैं? एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करो, कल मैं आपकी पूरी बॉटनी का टेस्ट लूंगी। 11th यू हैव टू टेस्ट योरसेल्फ इन बॉटनी, यस और नो? मैं कल आपका फुल बॉटनी टेस्ट लूंगी। 12th एंड 13th कल मैं आपका पूरा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का टेस्ट लूंगी, एनसीईआरटी बेस्ड, पढ़कर आओ, फुल बॉटनी टेस्ट पढ़कर तो आओ कितने लेवल में है। और कल सुबह लास्ट 10 इयर्स मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ एम्स, आज तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराऊंगी। पढ़ो पढ़ो, नोट्स बने, पढ़ो फिर, पढ़ के देखते हैं कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। यस मैम, वी हैव नोट्स, परफेक्ट। यस 11, तब तो आग लगानी है। चलो आगे बढ़े फिर गाइस, टेलीग्राम ग्रुप डाउनलोड कर लीजिए। एंड गाइस, जो भी बच्चे 11th में हैं, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? बायो की तरह आप अभी फुल बॉटनी टेस्ट दे रहे हो, कल मैं आपको फुल ह्यूमन फिजियोलॉजी टेस्ट लूंगी, मैराथॉन्स रन करूंगी विद एक्सप्लेनेशन, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आपको सेम करने हैं। व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम जॉइनिंग द सुपर अमेजिंग
कोर्स दैट वी हैव गाइज, यू हैव टू बिकम अ पार्ट ऑफ आर प्रो मेंबरशिप, जहां पर यू गेट कंप्लीट एक्सेस. 50 लाइव क्लासेस चलती हैं एट अ टाइम, 10 माइक्रो कोर्सेस, 10 मॉड्यूलर कोर्सेस, 10 लॉन्ग टर्म कोर्सेस, 10 क्रैश कोर्सेस. जाइए, बिकम अ पार्ट, लर्न. क्लास में क्लास टीचर से डाउट सॉल्व कराइए, पीसीबी के लेक्चर्स लगाइए, सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश, लर्न फ्रॉम एनी डिवाइस फ्रॉम द बेस्ट टीचर्स ऑफ द कंट्री. इट्स लाइक नेटफ्लिक्स, एक बार मेंबरशिप ले ली, हजारों मूवीज आपके सामने हैं. ऑल your needs will be covered, all crash courses are free for you, all micro courses are free for you, beech mein kvpy course hoga, absolutely free for you, 10,000 mcqs, 5,000 hours of learning, code ek hai sirf vd pro, and guys full year membership, ek month padhiye sirf aap hamare sath pehle, dekhiye aapko kitna fayda hoga, ek mahine mein aap 4-5 mahine jitni padhai kar sakte ho agar aap utni sitting rakhte ho, warna systematic way mein full 11th or 12th रिवाइज होगा, क्रैश कोर्स होगा, हैंड होल्डिंग होगा, राइट अप टू योर एग्जाम्स. दिस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स एवर. कोड याद रखिएगा वीडी प्रो, विच गिव्स यू अ 20% ऑफ. लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. राइट, 11th का नया सेशन भी स्टार्ट होने वाला है, 12th का नया सेशन भी स्टार्ट होने वाला है. चलिए आइए, तो एक विंडो ओपन कीजिए जिसका नाम होना चाहिए मेंटी. फुल स्क्रीन कीजिए, कोड लगाइए, लंबा कोड है आज, 2561-6786. चलिए स्पीड अप, कल तो मतलब कल इज अ किलर डे. थैंक्स शुभ पाठक. 2561-6786 बच्चों, कम बैक विद वेदांतु दीपक. चलो देखते हैं, कल बॉटनी का कम बैक करना है हमें. चलिए चलो 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 2561-6786 स्पीड अप. स्पीड बढ़ाइए गाइस. मैं आपको इतने एमसीक्यू कराना चाहती हूं कि आपकी जो स्पीड है ना वो लाइटनिंग फास्ट हो जाए. आप 20 सेकंड्स में क्वेश्चन रीड करके एनालाइज करके पढ़ लो. आर यू विद मी? वाओ भाविनी, आर यू विद मी? मैं चाहती हूं मैं अपने मैस्कॉट्स को, अपने बायोटोनियंस को हर टॉपिक का फुल सिलेबस के इतने क्वेश्चंस करा दूं दैट आप मेरे साथ एटलीस्ट 20 सेकंड्स में क्वेश्चन रीड करके, ऑप्शंस एनालाइज करके बायो आंसर कर दो, सो दैट वी हैव सो मच टाइम टू फोकस ऑन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. कल इसीलिए मैं आपका फुल सिलेबस बॉटनी टेस्ट रख रही हूं, एंड मेरे 12th और 13th 11th वालों के पास तो फिर भी टाइम है, इसीलिए मैं आपको इतने क्वेश्चंस करा रही हूं क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं आपको 50,000 to 60,000 MCQs करवाऊंगी. दैट इज व्हाई द एंटायर टीम सिट्स एंड मेक्स सो मच कंटेंट ऑन अ डेली बेसिस. राइट माय रेडर्स, मैस्कॉट्स, फिनिक्सियंस, राइट, इतने हमें एमसीक्यूज करने. मैं आपके इतने बॉटनी टेस्ट ले चुकी हूं बिकॉज बॉटनी वीक है, तो आज आप बैठ के बॉटनी पढ़ोगे. आई हैव गिवन यू अ टारगेट. Yes, इसीलिए कल मैं बॉटनी का टेस्ट ले रही हूं क्योंकि परसों से मैं बायोमोलिक्यूल्स और बॉटनी के थ्योरी लेक्चर स्टार्ट करने वाली हूं, लाइक सेंस ऑर्गन्स. अंडरस्टूड? परफेक्ट. इसीलिए परसों से मैं थ्योरी लेक्चर स्टार्ट करने वाली हूं आपके बॉटनी के थ्योरी लेक्चर. एवरीबडी हैज जॉइंड. हमारा कोड है 2561-6786. वीक है ना बॉटनी मेरे बच्चों का. एक बार हम टेस्ट देंगे, एक बार हम एनालाइज करेंगे कि हम कहां पर हैं, किस टॉपिक पे लैग कर रहे हैं. फुल सिलेबस बॉटनी का टेस्ट देकर देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू अटैक दैट पर्टिकुलर टॉपिक. नाउ इन द नेक्स्ट 10 seconds लेट मी स्टार्ट. स्टार्टिंग इन 5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट. Code is 2561-6786 for those of you who cannot read. The purplish red pigment rhodopsin contained in the rods type of photoreceptor cells
आर अ डेरिवेटिव ऑफ सी डी ए बी. लवली सवाल, लल्लू सवाल. द कोड गुनीत इज 2561678 6. चलो मेरे बच्चों, रॉब्सन नाइट ब्लाइंडनेस, निक्टलोपिया, पपाया खाने में होता है, डैफोडिल्स में होता है, गोल्डन राइस में होता है, व्हाट इज इट? सी डी ए बी. That's well answered. Vitamin A. Well done. Question number 2 on your screens right now. Noshi, pain, respond to change in pressure. Misners are thermoreceptors. Are this is phenomenal, but nothing but the best is expected from mascots. Photoreceptors in the human eye are depolarized during darkness and become hyperpolarized in response to stimulus. यही तो मैंने आपको दिखाया था कि जब light आती है तो वो breakdown करता है. Guys, let me tell you something very honestly today. The entire world looks up to we Biotonians. Trust me, medical aspirant वो इंडिया में कहीं भी हो या medical का कोई भी teacher, ऐसा कोई नहीं है जो we Biotonic को नहीं जानता है. If you're a regular mascot, if you're a regular Biotonian, आप exams में अच्छा करते हैं, आप leaderboard में आते हैं, trust me, everybody knows you and everybody is looking up at you. You cannot make mistakes, right? इतना आप पे pressure है, you cannot make mistakes. So come on, mascots, let's do well. Let's do well, mascots. Question number 3, my mascots. From inside to outside, the correct order of the following cells in the retina will be. Ma'am ne aapko dikhaya tha ye. We did this. Wow! From inside to outside, the correct order of the following cells in the retina will be ganglion cells. But inside to outside, photoreceptor cells outside. Well done. Let's move on to the next question, mascots. But mascots, who's going to become a part of V Biotonic? अपनी attendance कौन mark करेगा एक like करके? Okay, Divya. I got your point for your board exams. A person is wearing spectacles with concave lenses for correcting vision. While not using the glasses, the image of a distance object, in his case, will. Wow. Concave kisko correct karta hai? Converging hai, diverging hai, kisko correct karta hai? No, beta, blind spot is not the answer. What is the answer? A person wearing, bataiye mujhe, spectacles. Who will tell me? Iska kaun answer explain karega? With concave lens, concave hai. Yes, who will tell me the answer? Batao. Nearsightedness, myopia. So it will be in front of the retina. Arre guys, in front of the retina. Agar nahi dala, agar dal diya, so it will be on the retina. Agar nahi dala, it will be in front of the retina. Myopia. Excellent. Well done. Answer is C.
मेंटी को पढ़ने चाहिए डंडे. क्वेश्चन नंबर 5, इनकरेक्ट मैच. मेंटी हो गई है हमारी थोड़ी सी सेंटी. चलो Which one is an incorrect match? Glaucoma abnormally high pressure on the eye, 100% correct, happens because of hypertension. It is a disorder in which there is too much pressure. It can even lead to blindness. It is a correct option. Eustachian tube connects middle ear cavity with the pharynx, especially the top of the palate. It is 100% correct. They are asking you incorrect. Kya pucha hai unhone? Na laiko. They are asking you incorrect option. Right? Calororeceptors for heat, interoceptors. अभी थप्पड़ पड़ जाएगा. कहोगे मैम ऐसे मेरे से हमारे से बात मत करो. क्यों ना करो ऐसे बात? Yes? मतलब कुछ भी यार. Yes? बेटा देखो एक बात, अगर मान लो आप आपको किसी ने किडनैप कर लिया, किडनैप करके आपको एक बॉक्स में डाल दिया और आप ऐसे टेढ़े बैठे हुए हो, क्या आप फील कर पा रहे हो यार मेरा पैर उधर है, मेरा सर इधर है? सो व्हेनेवर द इंटरनल बॉडी, हाउ इज इट अलाइन, स्पेशली द इनसाइड ऑफ द बॉडी, द ब्लड प्रेशर, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज इंटरोसेप्टर. इट्स नॉट मेंट फॉर टच. नो, इट इज द इनसाइड ऑफ द बॉडी. सो द रिसेप्टर्स ऑफ द इनसाइड ऑफ द बॉडी आर रेफर्ड टू एज इंटरोसेप्टर्स. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. I've got a vast variety of questions so that you'll be able to love and solve them. Kind of tissue that forms a supportive structure. Arre, lallu samal pinna. Vertebrate, nails, ear, ossicles, tip of the nose. Same kaisa hota hai? Cartilage kaha hota hai aur? Chalo. Very lallu samal. Very lallu samal. Awesome, tip of the nose, elastic cartilage, very nice. Question number 7th of 30th. Performed by ears. गलत मत करना. It's so amazing, guys. I'm sure you'll be able to do this. Lala, I wish I could stand and always be there. Balance, hearing, not. This is called Nobel Prize for biology. I think we should open a new, brand new category of Nobel Prizes, and they should be biotonic special Nobel Prizes. The kids who answer super amazing, and I think this category of 5 students should be number 1 for winning the Nobel Prize. I think they really have got even Alfred Nobel thinking. So vision and your, I think they really should be India's, you know, India should send their names for the Nobel Prize this year. I think it's phenomenal. Phenomenal. This is hats off. Yes, on your screen the next question, lovely kids. Question number 8. Guys, but who's gonna become a part of eBiotonic? How many of you gonna mark your attendance right now? Incus, Malleus, Incus, Stapes. Incus is not. Nobel Prize mil sakte hai sawal ke liye bhi. Not.
that's like my kids. Amazing, super talented, super amazing beta. Alias incus stapes, ear ossicle hai, ear middle ear mein hote hai. Alias incus stapes, incus beech mein hota hai. Par ye light waves ka inka koi kaam nahi hota hai. Light wave ke saath kya karenge ye? चलिए awesome, not this is excellent. Hey, outer ear, middle ear, inner ear, tympanic membrane, not tympanic, right? Anatomy criteria, outer ear, no. It's not a section of ear on the basis of anatomic cavity. Inner, middle, koi टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कोई कैटेगरी थोड़ी ना है, तीन ही तो पार्ट्स हैं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर. देयर इज नो कैटेगरी कॉल्ड टिम्पैनिक कैटेगरी, इट्स अ पार्ट. बेटा कोई कैटेगरी थोड़ी ना, तीन हिस्से हैं ना, तीन हिस्से हैं. मेलियस इनकस स्टेपीज तीन हड्डियां हैं. अब मिडल ऑफ स्टेपीज कोई हड्डी थोड़ी ना है. तीन हड्डियों के नाम है मेलियस इनकस स्टेपीज, टिप ऑफ स्टेपीज, एंगल ऑफ मेलियस, राउंड पार्ट ऑफ मेलियस. भैया ये थोड़ी ना है, आउट हो गया. अनैटमिक तीन पार्ट है, आउटर, मिडल, इनर. मेलियस इनकस स्टेपीज तीन पार्ट है. अब ये थोड़ा बोलेंगे कॉर्नर मोस्ट पार्ट ऑफ स्टेपीज. अरे दैट इज नॉट अ पार्ट दैट वी डिफाइन, वी डोंट डिफाइन इट अप लाइक दैट. राइट एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 10th ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ. Yes, Tanya. Come on, let's. Which of the following is not true about ear ossicles? Not true. Please focus on not true. Excellent. Very, very well done. Which of the following is not true about ear ossicles? Malleus is attached to the tympanic membrane of the cochlea. Right? Not true. Malleus incus stapes. No. Cochlea thodna hai bhaiya wo. Cochlea pe attached hogi malleus incus stapes. Hai na? Tympanic membrane ko tumne cochlea pe jod diya. Itne smart bachche hai na mere paas. Itne smart bachche jiska matlab koi wo hi nahi hai. Which of the following is the sensory part of saccule and utricle? Macula, vestibular or vesibular, tympana, ampulla. Arey wah 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 wah! You can do this. Sensory part of saculian ampulla कब से बना दिया आपने? वो तो semicircular canal के base में बताया था, भूल गए? Very good Mansura. कितने बच्चों ने इसको correct answer किया पहले ये बता दो मुझे, कितने बच्चों ने correct answer? बेटा ampulla तो मैंने आपको sensory में बताया था, macula होता है, macula जो position of head, ampulla तो मैंने आपको sense, ampulla semicircular canals के base में बताया था. guys गलत बात है यार, एकदम सही जवाब देना है. चलो अगले सवाल पे. here you have macula. so much learning happening. मुझे लगता है आज आपका learning curve ऐसे जा रहा है ऐसे. yes or no, कैसे जा रहा है मेरे बच्चों का learning curve? कल botany का test कितने बच्चों ने देना है? raise your hands and say yes ma'am. कितने बच्चे कल बॉटनी का टेस्ट देने वाले हैं मुझे बता दो अभी के अभी. कितने ऐसे मेरे शूरवीर बच्चे जो कल बॉटनी का टेस्ट देने वाले हैं?
गाइस पढ़कर आओगे ना तो ही टेस्ट देने का फील आएगा। कल सुबह देख लो मैं क्या, मैंने बहुत ज्यादा मतलब कल का दिन तो यार किलर फ्राइडे प्लान किया आप लोगों के लिए। कल सुबह मैं आपका सबसे पहले आज शाम को डेली फिंगरप्रिंटिंग करा दूंगी, लास्ट 10 ईयर्स के मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ एम्स ढूंढे हैं, 50 क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के निकाले हैं। उसके बाद बॉटनी मेगा मैराथन, ऐसे ही हम अपने वीक टॉपिक्स को पता लगाएंगे भैया हम कहां पर फॉल्टर करते हैं। यस लर्निंग कर्व, हमें पूरा ऐसे लॉग कर्व एक्सपोनेंशियल बनाना है। एंड शाम को तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में करवा ही दूंगा आपको। यस अच्छा एक चीज और गाइस, जो आप ये मॉक टेस्ट पेपर दे रहे हो, आज पेपर दे रहे हो, सारे पेपर दे रहे हो, अब आपको मेरा ये वाला वीडियो देखना है। पता नहीं आप लोगों ने अभी देखा है या नहीं देखा है, बट आई वॉन्ट यू टू सी दिस, आई वॉन्ट यू टू सी दिस वीडियो। क्या आपने देखा है अपने को यू नो रिव्यू कैसे करना है यार, एनालाइज कैसे करना है? यस इज दैट क्लियर? डन मियां खालिफा जी, हमारे घर में 5 लोग हैं ये काम करने के लिए, आप टेंशन मत लीजिए। यस डन, चलिए आइए। कहां से आ जाते हैं यार ये मुंह उठा के, कौन बुलाते हैं इनको बिन बुलाए मेहमानों की तरह? कौन है ये मियां खालिफा और ये कहां से आ जाते हैं? चलिए चले, मतलब मुंह उठा के आ जाते हैं, वो नहीं होते कई लोग बिल्कुल ही बिन बुलाए मेहमान मुंह उठा के दूसरे के घर पहुंच जाओ। वेस्टिबुलर अपैरेटस के काम बताओ। वेस्टिबुलर अपैरेटस, अरे वेरी नाइस। कंपोजर थ्री सेम्स रुकना क्लास होटल लेता होटल होटल लेता करने ने बताया था आपको, कितने बच्चों को कल पहली बार बताया था ऐसे सॉल्ट की तरह। कॉम्प्लेक्स सिस्टम प्रेजेंट इन इंटरनल लोकेटेड अबव द कॉक्लिया, वेरी नाइस वेरी नाइस। चले आगे, यप ऑसम ब्लॉसम, ओ गॉड। चलो हाफ टाइम आपको पहुंचने वाले मेरे बच्चे 13th। Semicircular canal of internal ear are 3 in number, lying different place. I told you yesterday, perpendicular to each other. I showed you 3 or 4 photographs of semicircular canals. Please don't do mistakes, huh? It's a very good question. It's a very simple question. I know you've answered well all of these. Well done. Chali. Let's move to question number 14. We're nearly at the halfway mark for today's class. Gian. The base of canal is swollen and is called ampulla, which contains dash and dash ampullaris, which has, wow. Remember the diagram? 2 diagrams were there on this yesterday. There were 2 diagrams on this, not 1, but 2 diagrams. जो मैंने इस पे बनाए थे कल. क्रिस्टा एंड हेयर सेल, मतलब यार अब तो मान लिया जाए प्रोजेक्टिंग रिज क्रिस्टा एंड हेयर सेल्स, अब तो मान लिया जाए कि ये वाला टॉपिक काफी ज्यादा क्लियर हो चुका है। तो इसी बात पे हार्ट बन जाए, इसी बात पे एक लाइक हो जाए एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल हाफ वे मार्क पे हम पहुंच चुके हैं। चलो, the maintenance of balance of the body and the posture by vestibular apparatus is performed by whom? Chalo.
Very good, very good. The maintenance of balance of the body and the posture by posterior pelvis is performed by crista macula. है ना? मेंटी कैसे स्टक हो गया बच्चे? एक बार रिफ्रेश कर लो, चले आगे. यस, थैंक्स नेहा. क्वेश्चन नंबर 16. चलो, द स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑर्गन इन द ओटोलिथ ऑर्गन ऑफ द इंटरनल ईयर आर कॉल्ड एज मैक्यूला, क्रिस्टा, कप्यूला. मैंने कल फोटो दिखाई थी, यहां पर फोटो थी, एक तरफ कुछ बना था, एक तरफ कुछ. यहां की फोटोग्राफ थी, एम्स का क्वेश्चन है. द फोटो वॉज राइट हियर, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई. चलो बताओ, कम ऑन किड्स. बायो को अच्छा कर लो गाइस, 360 मार्क्स बायो से आने वाले हैं. रिसेप्टर ऑर्गन इन ओटोलिथ, राइट गाइस? कैसे गड़बड़ कर रहे हो आप? ओटोलिथ का रिसेप्टर ऑर्गन क्या होता है बताओ मुझे. ओटोलिथ ऑर्गन्स, यस एवरीवन. मतलब आप इतनी छोटी छोटी मिस्टेक कैसे कर सकते हो बेटा? आपको फोटो भूल गया जो मैंने आपको दिखाया था. यस, कपुला किसमें होगा बेटा आपका? क्रिस्टा किसमें होगा बेटा? यस, व्हाट इज इट, व्हाट इज इट कॉल्ड? स्टीरियोसीलिया, काइनोसीलियम, इट हैज टू बी मैक्यूला. वेल डन. 17th वेस्टिबुलर अपेरेटस में कप्यूला बनाएंगे हम. आई एम नॉट एबल टू मूव फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोजिशन, माई टोज हर्टिंग, आई एम जस्ट गोना बी स्टैंडिंग हियर. आप बताइए, लीडर बोर्ड आने वाला है. यस माई डियर देवशीष, डार्कनेस में भी हम अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं. व्हाई आर वी एबल टू बैलेंस आवरसेल्व्स? बिकॉज़ वी हैव एन ऑर्गन फॉर बैलेंसिंग एंड दैट ऑर्गन इज कॉल्ड द वेस्टिबुलर अपेरेटस. वेल डन, इट इज कॉल्ड द वेस्टिबुलर अपेरेटस. वेरी वेल डन. क्वेश्चन नंबर 18. Main function of the cornea present in the human eye is the main function of the cornea. ईयर खत्म कर लिया, कितने क्वेश्चंस किए हमने ईयर पे सी. कॉर्निया स्ट्रक्चर, नो बेटा, कॉर्निया इज स्लाइटली राउंड, सो इट्स गोना बेंड द लाइट सो दैट इट एंटर्स. आपको पता है कि पीछे स्क्लेरा होता है, स्क्लेरा विल नॉट अलाउ द लाइट रेज टू एंटर, सो इन फ्रंट यू हैव अ ट्रांसपेरेंट कॉर्निया. यस, राइट, इज दैट क्लियर? क्या मैंने ये एक्सप्लेन किया था आपको? पीछे अगर स्क्लेरा है तो सामने कॉर्निया होगा, कोरोइड है तो सामने सीलरी बॉडी होगा, राइट? इंट्रॉन्स को मारो गोली, क्लास में ध्यान दे दो. चलो, कल नाइट वॉज वेरी पेनफुल. क्वेश्चन नंबर 19. क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट, सीसीसी हर्ष कह रहे हैं. वाह रे हर्ष, मजा आ गया. What or where will the image of a distant object be formed when a person using a concave lens to correct vision is not using glasses? Behind the retina, in front of the retina, on the blind spot, on the yellow spot. Concave आ गया, same. This is really nice.
Where will the image of a distant object be formed when a person using a concave lens to correct vision is not using glasses? Obviously, in front of the retina. Na? Yehi question tha jo humne thodi der pehle kiya tha. Question number 20th. I think time just flies in your classes, guys. It really does. It really does. Cornea is avascular. Please remember this. Cornea atmosphere se diffusion karke oxygen leta hai. Cornea is avascular. Would you remember this? It does not have oxygen. It is avascular. Therefore, antigen antibody reaction hota hi nahi hai. No blood, no antibody. Guru store ka bilkul theek bol rahe ho. It is avascular. Right? Well done. Choroid is vascular. Cornea is avascular. And guys, अगर आंसर सही हो रहे हैं बट टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, टेंशन नहीं लेना, एक्यूरेसी पे फोकस करो. फर्स्ट लेट्स बिल्ड एक्यूरेसी, फिर मैं आपकी इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगी कि आपकी ऑटोमेटिकली एक्यूरेसी के बाद स्पीड बढ़ जाएगी. Incorrect statement. Retinol is not a derivative of vitamin C. It is a derivative of vitamin A. Vitamin C जो है वो collagen maturation करवाता है in the skin. और जब collagen mature नहीं होता इसीलिए ulcers हो जाते हैं. It is a derivative of vitamin A. Well done. Yes? मुस्कान लूथरा हंस रही, कह रही इतना लल्लू सवाल. NTA ने हमें क्या समझ रखा है? चलो फिर मान गए मेरे बच्चों. सबसे अच्छे बच्चे बायोटॉनिक पे हैं. The fovea is the mammalian eye, is the center of the visual field. Fovea, no rods but a very high density of cones which helps you to see the brightest colored vision. Yes, it does. High five. 23rd. Chalo. Photosensitive compound kiska bana hota hai batao? Human eye, photosensitive compound. Guanosine and retinol, transducin and retinin, opsin, retinol ya retinal. Pakka confuse honge, do hi options mein confuse honge. Retinol, aldehyde, maine kal bhi bataya tha. Ab to likh lo, error copy open karo, aldehyde. Retinol. Thank you, Shreshtha. Are you from Nepal? Retinol. Judwa nahi hai, ol aur al ka farak hai muskan. चलिए अगले सवाल पे चलें. परसिस्टेंट ऑफ विजन फॉर द ह्यूमन आई इज
Persistence of vision for the human eye is very nice. 1/16th of a second. Twenty-fifth question. कितनी देर आपके दिमाग में विजन इमेज रहती है इस परसिस्टेंस? द ट्रांसपेरेंट लेंस इन द ह्यूमन आई इज हेल्ड इन इट्स प्लेस बाय, कौन पकड़ के रखता है लेंस को? वन सेकेंड रिमेनिंग. जल्दी करो, पिट्टी खाओगे वरना. वाह मेरे बच्चों, ये हुई ना बात. द ट्रांसपेरेंट लेंस इन द ह्यूमन आई इज हेल्ड इन इट्स प्लेस बाय लिगामेंट्स अटैच्ड टू द सीलियरी बॉडी. कल तो दिखाया था नालायक को. मुझे ना कल एक्यूरेसी चाहिए बॉटनी में. मैं कल तुम्हारे मम्मी पापा को फोन करके डंडे मरवा दूंगी. टंग करवाना है. ओह आयमन, चलो कल करवाती हूँ मैं आपको. सॉरी मैं तो भूल ही गई यार. शख्स तुम लोग को मुझे बताना चाहिए था यार. Guys, क्या डिजिटल बुक का पढ़ सकता है? क्या पुलकित सर मुझे डिजिटल बुक का बना कर दे सकते हैं? एनालॉगस ऑर्गन से यार 1 करोड़ बार क्वेश्चन आ चुका है एवोल्यूशन का. नालायक को पढ़ना है कि नहीं पढ़ना बता दो मुझे. Yes, guys, अब मेरा परसों से मैं बायोमोलिक्यूल शुरू कर रही हूँ, उसके बाद मैं बॉटनी कर रही हूँ. मैं बॉटनी की क्लासेस, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो. प्लांट फिजियोलॉजी का वी बायोटॉनिक पे 3 या 4 बार फुल लेक्चर्स हो चुके हैं. प्लांट एनाटॉमी के वी बायोटॉनिक पे 3 या 4 बार फुल लेक्चर्स हो चुके हैं. प्लांट मॉर्फोलॉजी के वी बायोटॉनिक पे 3 या 4 बार फुल लेक्चर्स हो गए हैं. ठीक है, सवेरा कभी नहीं होगा, जब जागोगे तभी सवेरा होगा. येस और नो, कितने बच्चे मेरे से फर्स्ट डे से जुड़े हुए हैं और उनको पता है कि मैं 3 या 4 बार पूरे लेक्चर्स करवा चुकी हूँ. अभी लिखा है एवरी वीडियो बाय अभी. बेटा अभी मम्मी से बात करनी है तो मम्मी की गोद में जाके करो बेटा, इस चैनल पे आके बात मत करो मम्मी से. यस, यहाँ ना थोड़ी डिफरेंट टाइप की मम्मी है, फिर वो इतनी पिटाई करेंगे कि फिर मतलब फील आ जाएगी, है ना. 3 या 4 बार मैं रेस्पिरेशन करवा चुकी हूँ, एनसीईआरटी से करवा चुकी हूँ, शॉर्ट नोट्स लिखवा चुकी हूँ, नोट्स बनवा चुकी हूँ, टिप्स लिखवा चुकी हूँ. इज दैट क्लियर? तो बेटा अभी टेस्ट देना जरूरी है और जब तक हम टेस्ट नहीं देंगे हमें अपना लेवल पता नहीं चलेगा. अगर आप याद करो तो बायो मॉलिक्यूल्स भी मैं आपको करवा चुकी हूँ, येस और नो, बट मैं आपको फिर से करवाऊंगी, राइट? तो इसीलिए अभी टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है. डन? यस ओ ओके दिव्या. 28. द म्यूकस कोटेड रिसेप्टर्स विच आर स्पेशलाइज्ड फॉर रिसीविंग द सेंस ऑफ स्मेल. म्यूकस कोटेड रिसेप्टर स्मेल, ऑल्फैक्टरी, गस्टेटरी, ऑप्टिक, टच. Olfactory receptors. Well done. And have you come to the second last question? Thanks so much, Ronak. I'm just trying to be a better version of myself every day. Which of the following sense organs detect dissolved chemicals?
Sense organs detect dissolved chemicals. अरे obviously यार मुंह पे कुछ रखोगे यहाँ पर तो फील होगा ना, टंग पे कुछ रखोगे नमकीन या कुछ भी. यस गाइस, आपने एक प्रॉमिस करनी है, जितनी मेहनत मैं आपको बायो में करवा रही हूँ उतनी मेहनत आप अपने आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में करोगे. काजी अंजुम, वी विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. यस, वी विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे. बट गाइस आपने मुझे एक प्रॉमिस करनी है, जितनी मेहनत मैं आपको बायो में करवा रही हूँ उससे ज्यादा मेहनत आप फिजिक्स केमिस्ट्री में करोगे. यस, मैं भी थोड़ा फिजिक्स पढ़ना शुरू करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि आपको पढ़ा दूँ. बट गाइस प्लीज ये शॉर्ट नोट्स देखिए, अपने मॉक टेस्ट को रिव्यू कीजिए, एनटीए के पेपर देखिए, देखिए इनमें से जो 11th के पेपर है वो करिए. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपना टाइम टेबल बनाइए. अगर आपका 11th और 12th के बीच में ये एक महीने का ब्रेक है, पढ़ो, डेडिकेट योरसेल्फ टू स्टडीज. प्लीज लुक एट दिस स्टार शार इन द क्लास, राइट, आपको दिख रहा है. पढ़िए, प्लीज पढ़िए, आस्क योर डाउट्स. आप ऐप डाउनलोड कीजिए, यू कैन आस्क योर डाउट्स टू द टीचर्स. प्लीज मेक श्योर दैट यू स्टडी. आप टेस्ट दीजिए खूब सारे, सो दैट यू नो द टेस्ट दैट यू गिव आर रियली नाइस, राइट एवरी वन, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड गाइज यहां पर देखिए ये VD प्रो कोड, आप एटलीस्ट एक महीने की मेंबरशिप ले सकते हैं. इट्स अ 2-year लॉन्ग कोर्स, right? And 1-year membership mein 900 rupees get off. It's just for 3600. At least take this membership, see where you stand. It's very important. Padhiye. Par agar aap lecture ke niche jayenge, you have all the 3 memberships. Bhale hi wo ek baar ka crash course ho, bhale hi wo ek baar ka aapka, you know, it could be one time crash course that you're getting with us. It could be the test series that you're getting, or it could be the long term pro membership, but study. That's the only thing. Please make sure that you are studying. So you have the crash course, right? And you also have the pro membership. Crash course ka aapko pata hai, you have to apply code jiska naam hai VD NEET, and uske baad aapko khub man lagakar padhna hai. But guys, main hamesha ek cheez kehti hu, jab bhi aap padh rahe ho, doubts kahan se handle karaoge? Support system kuch to chahiye. जब डाउट्स आएंगे किसके पास जाओगे? जब कुछ समझ में नहीं आएगा, कोई तो लाइव क्लास में बैठ के समझा दे, कोई तो क्लास टीचर हो जो डाउट्स ले ले, कोई तो हो जो टेस्ट ले ले और टेस्ट में डिफिकल्टी बता दे. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, दिस टाइम विल नॉट कम बैक गाइस, राइट. अभी जो 4-5-6 हजार है, डोंट थिंक अबाउट इट, थिंक ऑफ द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स. अ कॉलेज लाइक मैम्सी इज नॉट गोना कम इवन इन 70-80-90 लाख रुपीज. यू सॉ पुंगो कम हियर, यू सॉ उत्कर्ष कम हियर. गाइस पढ़ लो, खूब पढ़ो, और जो भी सपोर्ट की जरूरत है रीच आउट टू अस, अच्छे से मेहनत करके पढ़ो. डाउट्स को रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है. मन में डाउट्स रहेंगे पढ़ाई नहीं होगी. हां जी, हमारे पास हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सेपरेट है गियर. अगर मन में डाउट्स रहेंगे कैसे करोगे? यू रियली रिक्वायर दैट एक्स्ट्रा हेल्प. चलिए क्वेश्चन नंबर 30th. बोमेंस ग्लैंड कहां है? चलो अरे वाह, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के ग्लैंड्स को वुमेन्स ग्लैंड्स कहते हैं. आई एम रियली एक्साइटेड टू सी बच्चों ने आज कैसे परफॉर्म किया. सिमरन, मेघना, हनु, हर्ष, शिशिता, स्नेहिता, ऋतु, शाजल, शमसिया, आई विल कम टू मैसूर टू स्पेशली मीट यू एंड हैव Mysore Park. And Anusha, my lovely mascot. Simran Bora is right there on top. Super amazing. Guys, aaj shaam ko 9 baje DNA fingerprinting ke liye. Kal aapka mega botany test. And the most difficult questions of AIIMS are as sharp at 6 a.m. That's all for today. This is Dr. Vani signing off for the day. Make sure you all become a part of We Biotonic before you go. Apne sare friends ko channel subscribe kara do guys. That'll be the biggest gift that you can give to We Biotonic. Make sure wo sare bacche jinko zarurat hai acche se padhai ki, unko We Biotonic ke bare mein pata ho. You alone are the brand ambassadors and ambassadresses of We Biotonic. So make sure everybody likes, shares and subscribes. Become a part of We Biotonic. Ta-da. Bye-bye. Take care. See you. Khuda hafiz. Bye kids. Bye.
God bless you, Aditi.